हे गाइस, अगर आप भी एक टिकटॉक यूज़र हो और आप अपने यूज़र नेम को चेंज करना चाहते हो। जब भी आपने टिकटॉक आईडी क्रिएट करी थी तब आपको इतना नहीं पता था कि ये यूज़र नेम की इम्पोर्टेंस क्या होती है, और आपने एवं ही कोई भी यूज़र नेम सेलेक्ट कर लिया था। पर जैसे ही जैसे आप टिकटॉक पे वर्क करते गए और फेमस होते गए, आगे बढ़ते गए, देन आपको लगा कि आपका यूज़र नेम ये नहीं होना चाहिए, आपको कुछ और यूज़र नेम रखना चाहिए। देन आप यूज़र नेम चेंज करना चाहते हो, लेकिन यूज़र नेम चेंज करते वक्त आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। आप यूज़र नेम चेंज करना चाहते हो पर जब भी आप अपनी प्रोफाइल पर जाकर यूज़र नेम चेंज करना चाहते हो, देन क्या होता है कि यूज़र नेम तो चेंज होता ही नहीं है। यूज़र नेम चेंज करने का आप बार बार ट्राई कर रहे हो पर बार बार यूजर नेम चेंज नहीं होता है, जिससे कि आप बहुत ज्यादा परेशान होते हो। आप टिकटॉक पे अच्छा वर्क कर रहे हो, आपको अच्छा रिस्पांस भी मिल रहा है, आपके फैन भी बन रहे हैं, लेकिन आप और ज़्यादा फेमस होना चाहते हो तो आप टिकटॉक का यूज़र नेम चेंज करना चाहते हो, या तो आप टिकटॉक पे वर्क कर रहे हो लेकिन आपको कुछ अच्छा रिस्पांस नहीं मिल रहा, तो आपको समझ में आता है कि आपको यूज़र नेम चेंज करना चाहिए, या फिर किसी और रीज़न से आप अपना टिकटॉक का यूज़र नेम चेंज करना चाहते हो। पर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है जब आप टिकटॉक का यूज़र नेम चेंज करना चाहते हो पर आप टिकटॉक का यूज़र नेम चेंज नहीं कर पाते हो। तो इसके लिए मैं आपको बता दूं कि जब भी आप टिकटॉक का यूज़र नेम चेंज करना चाहते हो तो सबसे पहले आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि टिकटॉक यूज़र नेम अगर आपने आज चेंज किया है तो आज से 30 डेज़ तक आप अपना यूज़र नेम चेंज नहीं कर सकते हो। ये टिकटॉक की पॉलिसी है। तो अगर आपने आज अपना यूज़र नेम चेंज किया है देन आपको 30 डेज़ का वेट करना है। आफ्टर 30 डेज़ आप अपना यूज़र नेम ईजली चेंज कर सकते हो। तो अगर आपने अपना यूज़र नेम चेंज करा है, जब भी करा है, आज या कल, अगर यूज़र नेम चेंज करने के डे से लेकर आपको नेक्स्ट 30 डेज़ तक वेट करना है, जब भी आपके 30 डेज़ पूरे हो जाए देन आप इजली अपने यूज़र नेम को चेंज कर सकते हो। लेकिन ध्यान रखना है, जब भी आप यूज़र नेम चेंज करोगे तो नेक्स्ट 30 डेज़ तक आपको नेक्स्ट यूज़र नेम चेंज करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा। जब आपके 30 डेज़ कंप्लीट हो जाएंगे देन आप अपना यूज़र नेम चेंज कर सकते हो। ये थी फर्स्ट प्रॉब्लम जो मोस्टली आती है यूज़र नेम चेंज करने पर। नेक्स्ट, अगर आप अपना टिकटॉक का यूज़र नेम चेंज करते हो, आपने 30 डेज़ पहले कोई यूज़र नेम सेलेक्ट करा था, देन अब आपको लगता है कि 30 डेज़ हो गए हैं और अपना यूज़र नेम चेंज करना चाहिए, आप अपना यूज़र नेम चेंज करते हो, यहाँ पे ये इशू आता है कि आपने 30 डेज़ पहले यूज़र नेम चेंज किया था, देन अब 30 डेज़ हो गए हैं, आप अपना यूज़र नेम चेंज करते हो, लेकिन यहाँ पर भी आपका यूज़र नेम नहीं चेंज होता है। प्रॉब्लम क्या आती है, आप कोई ऐसा नाम सेलेक्ट करते हो जिसकी आईडी टिकटॉक पर पहले से बनी है। मान लीजिए बी स्मार्ट विद एस आर के की आईडी मैंने अपने चैनल पर बना रखी है। अगर आप बी स्मार्ट विद एस आर के की आईडी बनाते हो देन बी स्मार्ट विद एस आर के की आईडी वहां पर नहीं बनेगी, उसके लिए आपको कुछ यूनिक आईडी बनाना होगा। अगर आप सेम नाम से ही बी स्मार्ट विद एस आर के की आईडी बनाना चाह रहे हो देन आपको बी स्मार्ट विद एस आर के 2, बी स्मार्ट विद एस आर के 2-1 ऐसा कुछ, मतलब थोड़ा सा यूनिक करके क्रिएट करना होगा, देन आपका यूज़र नेम ईजिली बन जाएगा। अगर आप कुछ ऐसे नाम की आईडी बनाते हो टिकटॉक पे जिस नाम से आईडी पहले से क्रिएट है, तो उस नाम से आईडी आपकी नहीं बनेगी, आपको आईडी क्रिएट करने में कुछ प्रॉब्लम आएगी। तो अगर आप किसी ऐसे नाम से बनाते हो जिस नाम से टिकटॉक पे आईडी पहले से ही बनी हुई है, तो आपको कुछ यूनिक नेम कर लेना है, जैसे कि उस नाम के बाद कोई नंबर या कुछ अलग सा लेटर या अल्फ़ाबेट यूज़ कर लेना है, जिससे कि आप अपनी टिकटॉक की आईडी क्रिएट कर सको। तो ये थे दो ऑप्शन जिसकी वजह से आप टिकटॉक पर आईडी क्रिएट तो कर लेते हो लेकिन जब भी आप यूज़र नेम चेंज करते हो तो आपको प्रॉब्लम आती है। तो नेक्स्ट टाइम अगर आप अपना यूज़र नेम चेंज करना चाह रहे हो तो बस दो बातें ध्यान रखना कि फर्स्ट, आपने जब भी यूज़र नेम पहले चेंज किया है उसके 30 डेज़ बाद ही आप यूज़र नेम चेंज करना। सेकंड, कि अगर आपने यूज़र नेम उस आईडी पे बना रहे हो जिस नेम से पहले से टिकटॉक अकाउंट पे आईडी बनी हुई है, देन आप उस नेम में थोड़ा बहुत चेंज कर लेना, कोई नंबर यूज़ कर लेना और आप अपने यूज़र नेम को भी अच्छे से चेंज कर सकते हो। यूज़र नेम चेंज करने में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। इन केस अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है देन आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो, मैं उसका रिप्लाई भी ज़रूर करूँगी।
अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी YouTube फैमिली का हिस्सा बन जाइए, और पास में दिए गए नोटिफिकेशन बेल के आइकन को दबाना मत भूलिए, ताकि हम इन फ्यूचर जब भी वीडियो लेकर आए हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक से मुझे मोटिवेशन और सपोर्ट मिलता है। जितना हो सके वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि आपके कोई भी फ्रेंड या फैमिली मेंबर होंगे जो टिकटॉक यूज़ कर रहे हैं और उन्हें आईडी का यूज़र नेम चेंज करने में प्रॉब्लम आ रही है, तो वो इससे हेल्प ले सकते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा।